ओम शांति। एक फ्रेंड्स का अच्छा सा ग्रुप है, सारे फ्रेंड्स साथ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और अच्छी तरह से सब कुछ उनका चल रहा है। और ऐसे में एक फ्रेंड उस ग्रुप में से दूसरे फ्रेंड को कहता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर मैं जो कहूँ वो तुझे करना होगा। और यस, वो जो ये कहता है ना, वो कुछ गलत कर रहा है और उस फ्रेंड को बार बार बोल रहा है, अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तुझे ये करना होगा। बाकी सारे उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारे उस गलत बात में शामिल हो जाते हैं और फिर क्या कहते, ओ दिस इज कॉमन, ये तो आजकल चलता है, सभी लेते हैं। अरे दुनिया में बहुत काम बने, अगर आप नहीं लेंगे तो वो कहेंगे बैकवर्ड है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। नाम रखना शुरू करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो बार बार कहेंगे अरे आप तो इस दुनिया के ही नहीं हो। तो उस फ्रेंड ने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सचमुच उसने इन सब के साथ शामिल होकर वो जो गलत बात कर रहे हैं उसमें शामिल होना चाहिए या फिर उसने ना कहना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? अगर वो ना कहता है तो उसको बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, अगर ना कहता है तो ग्रुप से उसको अलग किया जाएगा, अगर ना कहता है तो वो फ्रेंड उससे बात करना बंद करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? यस, से नो टू रॉन्ग थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। कई सारी गलत बातें पीयर प्रेशर के कारण ही तो आ जाती है, शुरू हो जाती है लाइफ में, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है वो बातें कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। और फिर हम कहते ग्रुप है ना, फ्रेंड सर्कल है ना, करना पड़ता है ना। नहीं, यू आर वेरी स्पेशल। अपने अंदर वो साहस पैदा करो, पहले समझो तो सही व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है सो रॉन्ग है, भले उसको 10 लोग आकर उसे राइट कहे, कॉमन कहे, फिर भी वो रॉन्ग है ना। अपनी परखने की शक्ति डेवलप करो, ये गलत है, जो गलत है मैंने नहीं करना। से नो टू रॉन्ग थिंग्स। हाँ, आज आपको इसकी बहुत हानि होंगी, बहुत जबरदस्त कीमत आज आपको उसकी देनी पड़ेगी। आज आपको लोग नाम रखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बैकवर्ड कहेंगे, लेकिन अगर आप आपकी ये कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, से नो टू रॉन्ग थिंग्स, आज नाम रखने वाले कल कोई भी समस्या आई तो आपका ही नाम लेंगे। अरे इनमें पेशेंस था, इसमें बहुत डिग्निटी थी, हम सबके बीच में रहते भी ये बहुत अच्छा इंसान रहा, लेकिन वो डेवलप करना पड़ेगा। तो आई एम वेरी स्पेशल, मुझे क्राउड को फॉलो नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ यह सोचना है मुझे सही क्या करना है। अपने विवेक को फॉलो करो, अपने अंदर की सिक्स सेंस को फॉलो करो और रोज मुझे क्या करना है बस इस बात की बहुत क्लैरिटी रखो। और जब ये क्लैरिटी रखकर चलेंगे ना, तो आप कीचड़ के अंदर के कमल बन जाएंगे, आपके ऊपर किसी की भी नेगेटिविटी का एक छींटा भी आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है, आप सभी के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे, गाइड बनोगे, रोल मॉडल बनोगे। हाँ, थोड़ा समय पेशेंस धारण करना होगा, थोड़ा समय
सहन करना पड़ेगा, निंदा सुननी पड़ेगी, ताने सुनने पड़ेंगे। जस्ट बी रेडी। लेकिन बाद में हमेशा के लिए लॉन्ग लाइफ, जीत सिर्फ आपकी हो गई। आर यू रेडी? यस। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड। प्रोटेक्ट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैप्पी डे।